भाई मैं लगभग आज से लगभग देखा तो 1 जनवरी को मैंने एक वीडियो को पब्लिश किया था जो था टीवी को चलाने वाला किट आ चुका है या टीवी में देखने वाला ऐसा कुछ किट आ चुका है और आपने मुझे उस पर इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, इतना सपोर्ट आपने दिया जिससे मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये वीडियो बनाई दी जाए। तो देखो ये वाला वो किट था और अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो अनबॉक्सिंग वीडियो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मैं दे देने वाला हूँ। आज मैं सिंपली इसका टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कनेक्शन करना है या इस पर क्या क्या हम यूज कर सकते हैं जिससे हम इससे टीवी को चला सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो पर मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, जो रेड वाला बटन दिख रहा है ना इसे प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपको तुरंत से टेस्ट करके दिखाता हूँ। भाई आप इस कार्ड को अच्छी तरह से देख लो, यही जो कार्ड है इसका मैं आपको कनेक्शन बताने वाला हूँ। कनेक्शन के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखोगे तो आप कंफर्म तरीके से समझ जाओगे इसका कनेक्शन कैसे करना है। और जितने भाई बोल रहे हैं ना कमेंट करके भाई ये पुराने जमाने पर चलता था, तो आप मुझे बताओ कि आपकी बचपन जो थी वो कैसी थी। अभी भी आप चाहते हो कि पुराना बचपन हमारा वापस आ जाता, तो जब आप सोचो जब आपकी पुरानी जो यादें हैं वो जब आप वापस लाना चाहते हो तो आखिर ये किट में क्या खराबी है, आपको यूज करना है तो मैं आपको बताऊंगा। जिन भाइयों को यूज करना है वो इस वीडियो को देखेंगे वरना स्किप करके चले जाएंगे, जिनको देखना है वो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखना। देखो मैं पूरा कनेक्शन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देख लो क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है वो मैं क्लियरली से बताता हूँ। एक हमें यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है और एक टीएफ कार्ड हमें देखने को मिल जाता है। अब दोनों में डिफरेंस आपको नहीं लेना है, सीधा समझना है कि आपको जो भी वीडियो शो करना है यानी जो वीडियो देखना है वो आप या तो यूएसबी से देख सकते हो या टीएफ कार्ड से देख सकते हो। टीएफ कार्ड मतलब एसडी कार्ड, जो मेमोरी कार्ड हमारा होता है उसे आप यहाँ पर लगा करके यूज कर सकते हो, तभी आप इस पर पिक्चर देख सकते हो। दूसरा हमारा काम आता है ब्लूटूथ। अब यहाँ पर ब्लूटूथ से सॉन्ग तो आप बजा ही सकते हो पर बजाने के लिए यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल नहीं लगा हुआ है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ से कनेक्शन समझा देता हूँ, कनेक्शन कैसे करना है वो आपको ध्यान से समझना है। रेड वाली जो आपको ये डॉट दिख रही है, ये जो स्लॉट दिख रही है, ये जो पैकेट दिख रही है, ये हमारी डीसी 5 वोल्ट की, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो डीसी 5 वोल्ट 12 वोल्ट ग्राउंड। सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, तो आउटपुट के लिए ये वाला सॉकेट हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको CV VS का साइन देखने को मिल जाएगा और साथ ही एक ग्राउंड का पिन देखने को मिल जाएगा, जबकि नॉर्मल वाले एम्पलीफायर पर ये सब नहीं दिखता है। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, आपके पास अगर है एम्पलीफायर मॉड्यूल तो आप उसे चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो 1 2 यहाँ पर हमें 2 पिन मिलते हैं। अब ये दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना कि शायद हो सकता है ऑडियो का होगा, बिल्कुल आप गलत हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ देखो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो RIN AG और यहाँ पर LIN का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप ऑक्स केबल को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। अब आप लोग भाई बोलोगे भाई यहाँ पर भी तो ऑक्स इन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप नॉर्मली वाले ऑक्स इन को कर सकते हो, लेकिन जो बड़े वाले एम्पलीफायर होते हैं, बड़े वाले चेक होते हैं, उसे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्लॉट देखने को मिल जाता है। और ये है हमारा आउटपुट, R आउटपुट, A ग्राउंड, L आउटपुट और म्यूट। म्यूट नहीं है, म्यूट को आप ध्यान मत देना, यहाँ पर ये FM का साइन है। वैसे FM आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको FM का साइन देखने को मिलेगा, लेकिन यहीं पर FM कनेक्ट होता है पुराने मॉड्यूल के हिसाब से। अब मैंने आपको उसका पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। अब देखो एम्पलीफायर का जो आउटपुट लगेगा यानी कि इनपुट जहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा वो यहीं पर लगने वाला है, जो यहाँ पर R आउटपुट देख रहे हो, A आउटपुट देख रहे हो और L आउटपुट देख रहे हो, इस जगह पर हमारा एम्पलीफायर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप मुझे आप पहले बताओ कि आपको अभी भी ये समझ में आया कि नहीं कि आखिर इसका कनेक्शन कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास है एक एम्पलीफायर मॉड्यूल। अब इस एम्पलीफायर को मैंने फास्ट तरीके से अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, इसका टेस्टिंग भी मैंने आपको दिखा दिया है, नहीं देखे हो तो देख लेना, या अभी तो वैसे टेस्टिंग चलेगा ही तो आप इस पर भी देख लेना, लेकिन उस पर क्वालिटी थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा। वोल्ट 601E और ये हमारा कितना 30+30 वाट आउटपुट निकालता है। इस पर भी देखो 1 2 3 4 दिखने को मिल जाता है, स्लॉट देखने को मिलता है। तो सीधा यहाँ पर हमें डीसी देना है 12 वोल्ट, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 12 वोल्ट यहाँ देंगे, साथ ही यहाँ पर ऑक्स केबल को कनेक्ट करेंगे जो हमारा यहाँ से आउटपुट निकलने वाला था। यहाँ पर ये दो स्पीकर कनेक्ट हो जाते हैं, ये LIC L7805 का IC है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं भाई एक नया मॉडल आ गया है उसे आप यूज करो, नया मॉड्यूल आ गया उसे यूज करो। देखो काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है इसलिए मैं इस वाले मॉड्यूल को यूज करता हूँ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सामान नहीं मिलेगा तो आप मुझे फिर कमेंट करोगे ना, इसलिए मैं वही सामान यूज करता हूँ जो आपके पास रेगुलर मिल जाता है या लोकल मार्केट में भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो अब चलो 1 2 3 तीनों को कनेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये लकड़ी का एक प्लाई का यहाँ पर मैंने एक फ्रेम ले लिया है, यानी छोटा सा कट पीस मैंने ले लिया है, और यहाँ पर एक फीमेल जैक मैंने लगा दिया जो कि पावर सोर्स के लिए है, और यहाँ पर स्पीकर आउटपुट के लिए मैंने लगा दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी इसका काम नहीं होगा इसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब देखो जो हमारा पैनल है, पैनल का तो मैंने आपको बता दिया यार, आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो भाई इसका कनेक्टर कहाँ है, वो तो आपने दिखाया ही नहीं। देखो 1 2
और ये तीन, ये हमारा वीडियो के लिए आउटपुट मिलता है। एक यहाँ पर फीमेल पोर्ट मैंने लगा दिया जिससे आप अदर टीवी में कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही ये इसके साथ आप डायरेक्ट टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। तो इसे कहाँ पर कनेक्ट करना है, चलो मैं करके ही आपको साथ में दिखाता हूँ। इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पर ये लग चुका है। तो ऑक्स केबल को यहाँ पर लगा देंगे, तो अब यहाँ पर जो हो गया कनेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट कंप्लीट। अब इसे डबल साइड टेप की सहायता से यहाँ पर इसके प्लाई पर चिपका देंगे। तो फाइनली गाइस, अब यहाँ पर मैंने सभी को चिपका ही दिया है। अब चलो डायरेक्ट इसका कनेक्शन करते हैं, वो भी फास्ट फॉरवर्ड में। भाइयों आप जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पूरा जो कनेक्शन से वो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है, और यहाँ पर जो ऑपरेट होगा ये होगा पेन ड्राइव से। अब यहाँ पर हमें इनपुट देना है, तो इनपुट के लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एक एयरटेल डिजिटल सेट टॉप बॉक्स का एडाप्टर, जो कि 12 वोल्ट और 2 एम्पियर के आसपास होता है। तो चलो इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने रख दिया, अब थोड़ा सा वायर को हटा लेते हैं जिससे ज्यादा यहाँ पर वायर ना दिखे और आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ। अब यहाँ पर इसे पावर ऑन करते हैं। मुझे नहीं पता ये चलेगा या नहीं चलेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ भी होगा, जो होगा सब आपके सामने होगा। वॉल्यूम यहाँ से पूरा कम है। अब यहाँ से पावर को ऑन करते हैं। ये यहाँ पर मैंने पावर तो दे दिया है, और पर यहाँ पर जो लाइन है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर लाइन अभी तक नहीं आया, ना इस पे आया ना इसमें आया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है। चलो मैं खोल के वापस चेक कर लेता हूँ एक बार। ये देखो अभी आप देख सकते हो कि इस पर जो लाइन है वो आना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो छोटे वाले टीवी पर भी यहाँ पर हमें जो इसका फंक्शंस है वो देखने को मिल जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर चुका है। अगर मैं यहाँ पर कैमरे मतलब स्क्रीन जो है वो थोड़ा सामने लाऊँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखो, ये देखो अभी आपको सभी क्लियर दिख रहा है। लाइट्स को ऑफ करते हैं। ये देखो अब आप बताओ इसकी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको इसे थोड़ा चेंज करना है तो यहाँ पर सभी आपको मोड देखने को मिल जाते हैं। मोड को एक एक करके यहाँ पर चेंज करिए, थोड़ा सा समझेंगे भी कि आखिरकार इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। ये कुछ आगे जाएगा, सभी पैनल्स आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जाना है और सेटिंग पर नीचे पर जाना है, और यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर इंटर बटन करने के साथ यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। एक शुरू में आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा, नीचे में आउटपुट जो पाल लिखा हुआ है यहाँ पर, आउटपुट पाल आपको इसे सेटिंग करना है। अगर यहाँ पर आप इसे ओके कर देते हो तो इसका जो साइज है वो फटने लगेगा, मतलब क्वालिटी यहाँ पर फटेगा। तो आप इसे पाल पर रखना, PAL लिखा हुआ होगा। इसके बाद अगर नीचे यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देखो ST2771 NOLCD BT FM 4.9 M, यानी कि यहाँ पर FM जो होगा वो 64। अब यहाँ पर आता है फैक्ट्री रिसेट। अगर आपको यहाँ पर गलती से गलत सेटिंग अगर कर देते हो तो फैक्ट्री रिसेट करके भी आप यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर करता हूँ स्टॉप वाले बटन पर। देखो स्टॉप करने पर यहाँ पर हट जाता है। अब चलो इस पर हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं और साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे इसकी, कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है। इस पर कुछ कॉपीराइटेड म्यूजिक्स भी है और कुछ बिना कॉपीराइटेड म्यूजिक्स है, लेकिन जो होगा सब आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया, फिलहाल तो यहाँ पर लाइन इस पर नहीं आया है। ये देखो लाइन यहाँ पर फिर से आ चुका है। देखो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं
थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखो एक वीडियो प्ले तो हुआ है, अब ये कॉपी राइटेड है या बिना कॉपी राइटेड है, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ ये म्यूजिक चल रहा है, और म्यूजिक को यहाँ पर हम करके चेंज करते हैं, नेक्स्ट वाले पर लगाते हैं। यहाँ पर देखो बटन आपको दिख रहा है, इसे प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट पर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिंपली वीडियो चल रहा है, और वीडियो क्या चल रहा है ये मेरे घर के पास में, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्योंकि आपको टेस्टिंग करके दिखाना था, कैमरा थोड़ा अपोजिट घूम चुका है लेकिन अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। चलो मैं म्यूजिक वाला ही लगा देता हूँ, कॉपीराइट आएगा तो आपके सामने पता चल जाएगा। अब यहाँ पर चलो इसके सेटिंग्स देख लेते हैं, अगर इस पर कुछ सेटअप अगर हो जाएगा जिससे वीडियो को रोटेट हम कर लें तो उससे हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी जंप मोड देखने को मिल जाता है, रिपीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ब्राइटनेस का देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन रेट देखने को मिल जाएगा। ये देखो फुल स्क्रीन हो चुका है और ये कम हो चुका है, ये देख सकते हैं ये कम और ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं आपको लास्ट में साउंड क्वालिटी भी दिखा दूंगा, आप उसे भी देख लेना। लास्ट नेक्स्ट ये फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, ये आप देख सकते हो। तो गाइस मुझे यहाँ पर मज़ा तो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इस पर जो रेशियो है वो क्लियर नहीं है, फुल स्क्रीन नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अब चलो साउंड को बढ़ाते हैं, कुछ साउंड भी है या नहीं है। गाइस सच में आपको बता रहा हूँ, आप जब इसे यूज करोगे ना तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि कैसा इसका होगा। देखो साउंड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो एम्पलीफायर पर डिपेंड है। साउंड को बढ़ाता हूँ, और गाइस देखो मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ, जिन भाइयों को अगर ये सभी वीडियोस देखने हैं, डीजे आर के राहुल चैनल को देख सकते हो, आपको ये सब वीडियोस उस पर देखने को मिल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वो वाली वीडियो जो कॉपीराइटेड तो है लेकिन आपको फुल स्क्रीन उसी पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट, देख लो मैं रिमोट सही से चेंज कर रहा हूँ, वरना आप लोग बाद में मुझे ही बोलोगे कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से दिखा नहीं। चलो गाइस फाइनली मैंने इसी को ही लगा लिया है, क्यों? क्योंकि इस पर रेशियो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी कैसा देखने को मिलेगा वो मैं आपको इस पर दिखाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पर पार करते हैं, इसका जो म्यूजिक है वो थोड़ा आगे हम ले जाते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पर मैंने एक सिंपली म्यूजिक को कनेक्ट किया है। देखो अगर आप इस वीडियो को देखकर कोई कॉपीराइट अगर देना चाहते हो तो प्लीज़ आप ये थोड़ा चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने लगाया है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं जो कॉपीराइट की है इशू दे देते हैं, वैसे बैकग्राउंड पर चलता रहता है तो इस पर प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी सुनो, साउंड क्वालिटी एक नंबर है। तो गाइस जैसा कि आप इसकी साउंड क्वालिटी सुन सकते हो, और पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी हाई लेवल का है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो आप कुछ यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं लाइट्स को ऑफ करके आऊँ ना तो आप यहाँ पर देखो कि इसकी क्वालिटी क्या नेक्स्ट लेवल की लगेगी। ये देखो मैंने लाइट्स को ऑफ किया है, अब इसे भी रिंग लाइट जो हमारा है इसे भी शट डाउन कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। देखो गाइस अभी यहाँ पर मैंने पूरा शट डाउन कर दिया है, अब आप देखो क्वालिटी इसकी देख सकते हो। थोड़ा लाइट्स को यहाँ पर ऑफ करते हैं, मतलब ब्राइटनेस थोड़ा कम करेंगे। ये देखो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा देखने को, लेकिन जो भी क्वालिटी अगर बोलेंगे तो क्वालिटी एक नंबर है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कनेक्शन, ये आप देख सकते हो पूरा कनेक्शन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, और टेस्टिंग के लिए तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अब आपने यहाँ पर देख लिया है इसका पूरा फुल टेस्टिंग किस तरीके से इसका कनेक्शन करना है। देखो मैं छोटे लेवल पर इसे यूज करके बता रहा हूँ, आप इसे बड़े लेवल पर यूज कर सकते हो, और इसीलिए यहाँ पर मैंने दो सॉकेट्स को लगाया था, एक तो ये फीमेल कनेक्टर वाला
और एक मैंने मेल कनेक्टर वाला कनेक्ट किया था। मेल कनेक्टर इसलिए क्योंकि मुझे इस वाले टेलीविजन के साथ ऑपरेट करना था, और बड़े वाले के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसे बड़े टीवी पर भी जला करके दिखा दूँ तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको भी जो वीडियो होगा वो भी मैं आपके सामने जल्दी ले आऊँगा। इस पर वैसे कोई फोटोज नहीं है, वरना मैं आपको उसे भी चेक करके दिखाता हूँ। मैंने जो हमारा था कि टीवी को चलाने वाला किट आ चुका है, तो मैंने इसका आपको फुल टेस्टिंग दे दिया है, आपको इसका कनेक्शन भी मैंने बता दिया है, और टेस्टिंग तो आप यहाँ पर साथ में देख ही पा रहे हो। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई इस एम्पलीफायर पर हमें बेस सुनने को नहीं मिल रहा। अब बेस की मैंने उससे बता दिया था कि कैमरे क्वालिटी की वजह से हो सकता है या माइक क्वालिटी की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर ये माइक है और माइक को मैं इसके सामने ले जा रहा हूँ, और आप भाई आप इसकी बेस को सुन लो। ये सुनो, मैं आपको सामने से कर दे रहा हूँ, माइक को पूरा सामने कर दे रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। ये देखो, अब आप इसकी बेस को सुन लो। अब देखो गाइस, अब इससे ज्यादा मैं इसे लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो पहले ही लगभग दिखाई है तो 15 से 20 मिनट के आसपास चला गया है या उससे ज्यादा भी हो चुका है। तो कनेक्शंस मैंने आपको बता दिया, पूरा ट्यूटोरियल मैंने दे दिया किस तरीके से कनेक्शन करना है, क्या चेक करना है, पूरा मैंने बता दिया। चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जो कमेंट आप करोगे उस पर कमेंट वीडियोस बनाई जा रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।